गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे सामने एक समस्या है। अभी समस्या ये है कि कस्टमर एक स्वेटशर्ट का ऑर्डर दे गया था, चार दिन हो गया मैं मार्केट नहीं जा पाया तो मैं स्वेटशर्ट ला नहीं पाया हूँ, और कस्टमर ने मुझे अल्टीमेट दिया है कि आज वो मॉर्निंग में आकर लेके जाएगा। तो मैं उसे कैसे फेस करूँगा मुझे कुछ नहीं पता, बट देखते हैं। एक्चुअली मैं सोचता हूँ कस्टमर भगवान है, मानते हैं, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हालात और सिचुएशन ऐसे होते हैं कि आप मार्केट नहीं जा पाते हो, और उनका एक शर्ट के लिए मुझे मार्केट जाना था। तो अगर मैं एक शर्ट के लिए मार्केट जाऊंगा तो मुझे मेरा भाड़ा लगेगा, सब कुछ लगे, वो को जो सामान लेकर आऊंगा उसका कॉस्ट हाई हो जाएगा, क्योंकि मैं भाड़ा वगैरह जितना भी है सब तो उसके ऊपर ही फेंकूंगा ना, छपाऊंगा ना, तो इसके चलते मैं गया नहीं, और वो अभी आने वाली है, तो देखते हैं क्या होता है, उसके बाद आपसे बात करेंगे। तो सुबह सुबह मैं दुकान खोल लिया हूँ, पूजा वगैरह कर लिया हूँ और आपके साथ बात कर रहा हूँ। बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से है, देख सकते हैं यहाँ पर, और दुकान के अंदर की बात करें तो अंदर का नज़ारा कुछ इस तरीके से। ये नया एक टी शर्ट आया हुआ जारा का, जो कि विंटर में पहनने के लिए है, टैग देख सकते जारा का है, और ये भी है टॉम हिडल का, और बाकी ये सब सामान यहाँ पे है, इसमें सब शर्ट वगैरह हैं, आपको पता ही है सब कुछ सेट है। अभी 2 घंटे बीत चुके हैं, 11:30 बज रहे हैं, और जिस कस्टमर का मैं बात करता वो कस्टमर अभी आया था, तो मैंने उसे समझा दिया कि देखिए एक माल के इतने दूर मैं जा नहीं सकता, और एक दो माल हो तो मैं जाके लेकर चलाऊंगा। तो कस्टमर वाला ठीक है कि आप कल मॉर्निंग तक ला दीजिएगा, नहीं तो मुझे पैसा रिफंड कर दीजिएगा। तो मैं बोला ठीक है, तो देखता हूँ आज अगर मैं मार्केट जा पाया तो आज लाना ही पड़ेगा। बाजार बहुत ख़राब है यार, कोई कस्टमर ही नहीं है। पता नहीं मेरा बाज़ार ख़राब है या फिर सबका बाज़ार ख़राब है। मुझे पता है क्या लगता है, देखिए अभी ना ठंड पड़ रही है और ना गर्मी पड़ रही है, बीच का माहौल है, तो लोग भी कन्फ्यूज है कि यार कौन सा कपड़ा लें। और हाल ही में दुर्गा पूजा गया है, तो दुर्गा पूजा गया है तो उसमें जो जो लोग कपड़े लेने वाले थे वो नए कपड़े ले चुके हैं, तो अभी उन्हें कपड़े की नीड है नहीं, और ठंड पड़ेगी तो ठंड के कपड़े खरीदेंगे लोग, तो ठंड पड़ नहीं रही है, तो जो बीच का पॉइंट है ना, आने वाला 8-10 दिन बहुत ही ख़राब जाने वाला है, तो पहले से ही ख़राब हो रहा है और आने वाला 8-10 दिन अभी और ख़राब जाएंगे जब तक ठंड ना पड़े। तो भगवान करे कि ठंड बहुत जल्दी पड़े तो कपड़ा वगैरह ला कर बेचना भी तो है ना। अभी भाई आ चुका है दुकान में और मैं खाना वगैरह खा लिया हूँ, मम्मी ने खाना भेजा था मेरे लिए। जब मॉर्निंग में आता हूँ तो उस समय खाना लेकर नहीं आता हूँ, सुबह सुबह ना कुछ खाने का मन नहीं करता है, तो मैं अभी दुकान में आ गया था तो भाई खाना लेकर आया, तो अभी खाना वाना खा लिया हूँ, उसके बाद फ़ोन घाट रहा था, फ़ोन घाटते घाटते संदीप महेश्वरी सर के यूट्यूब चैनल पर गया, तो वहाँ पर सोनू सर का जो इंटरव्यू था वो देख रहा था। यार दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, एक संदीप महेश्वरी सर हुआ, सोनू सर हुआ, लाइक इन लोगों का ना क्या है कि लाइक जब वीडियो देखिएगा ना तो फुल ऑफ एनर्जी, मोटिवेशन मिल जाएगा, 3-4 घंटा तक पूरा मोटिवेट रहिएगा, उसके बाद मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो अभी दुकान में बैठे हैं, ऐसा हो जाता है तो मार्केट जाना, क्योंकि 2-3 कस्टमर को मैं ऑलरेडी बोल कर रखा हूँ भैया तुमको सामान कल परसों मिल जाएगा, पैसा प्रॉब्लम है, पैसा आराम से। तो आपने लास्ट वीडियो देखा था, मैं दुकान पर था, दुकान के बाद मैं वो ग्रास लेकर, यानी कि दुकान के जो काउंटर पर ग्रास लगाया हूँ, ग्रास लेकर चला आया था अपने दोस्त के फ्लैट में, वहाँ पर ग्रास को धोने के बाद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, तो जो धोने के बाद मैं अभी उसके छत पर सुखाने के लिए आया हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं और आज कस्टमर कोई नहीं आया दुकान में, तो दुकान में बिक्री वगैरह तो हुआ नहीं, बट कोई बात नहीं, दिन कभी ख़राब आता है तो कभी अच्छा भी आता है, तो उसका टेंशन कुछ है नहीं। और अभी इसको सूखने के लिए दूंगा, वहाँ पे रख दिया हूँ, कहाँ गया देख सकते हो, वहाँ पे वो सूखने के लिए डाल दिया हूँ उसको, और वो सूख रहा है, तब तक मैं नीचे जाऊँगा और थोड़ा कुछ काम करना है वो काम कर लूँगा, और साथ ही साथ आपको पहले ऊपर का व्यू देख।
अभी चलते हैं नीचे, उसको अभी सूखने देता हूँ आधा घंटा एक घंटा, उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद आकर उसको लेके जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं नीचे दोस्त के फ्लैट में। ये विंडो से नज़ारा ये बाहर का कितना अच्छा दिख रहा है ना, सबके घर कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं। एंड स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। अभी दुकान में आ चुका हूँ मैं, और आपने देखा था मैं उसमें अपने दोस्त के फ्लैट पे छत पर गया होता, वहाँ पर मैंने जो ग्रास है यानी कि जो घास होती है कारपेट वाली उसे सुखाया था। सुखाने के बाद मैं अभी दुकान पर आ चुका हूँ, तो दिखाता हूँ आपको कैसा लग रहा है वो। तो अभी तक कोई कस्टमर आया नहीं है, जैसे कस्टमर आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सुबह से बोहनी भी नहीं हुए, ऐसा बाजार है पता है आपको, बहुत ही गंदा बाजार है। कस्टमर को जो मुझे सामान देना था मैं आज भी नहीं ले पाया, क्योंकि उतने पैसे ही नहीं मार्केट जाने के लिए, और पैसे में उसको एक पीस लगेगा और मुझे बहुत सारे उठाने पड़ेंगे, तो उतने पैसे हैं नहीं अभी कि माल लेकर आऊँ। तो देखते हैं कल क्या होता है, मुझे खुद नहीं पता। ऐसे कस्टमर घुमाना मुझे काफ़ी ख़राब लगता है यार। सैटरडे भी है, तो सैटरडे और संडे को मेरे पास तो एकदम टाइम ही नहीं बचता है, पूरा दिन क्लास में जाता है, 5-5 क्लासेस कराता हूँ, तो कल और परसों मेरे पास एकदम टाइम नहीं बचेगा। तो अभी लगभग 1.5 घंटे बीत चुके हैं, यानी कि रात में 9 बजने वाले हैं अभी, और कोई कस्टमर नहीं है। पता नहीं यार, दिन बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहा है आजकल मेरा, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। ये सब लाइट वाले कीड़े बहुत यहाँ पड़ रहे हैं, ये देखिए लाइट वाले कीड़े यहाँ पड़े हैं, मैंने भी फेंका, नीचे भी कितने सारे गिरे पड़े हैं, और जहाँ लाइट है ना वहाँ पर तो भरे पड़े लाइट वाले कीड़े, समझ में नहीं आ रहा इसका क्या करना है इनको।